ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ 8 ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਬਾਛਵਾ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਗਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਯੂਏਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਯੂਏਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਏਈ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ अपने यूएई दी 2 दिना यात्रा अनुसार पीएम मोदी आज आबू धाबी पहुंचे जिथे उन्हां दा पूरे राजकीय सम्मान दे नाल स्वागत किया गया अपने इस दौरे दे दौरान मोदी ऊर्जा व्यापार आपसी संबंध अते भारत विच निवेश विच वाधे नूं लैके कोशिश करनगे अतवाद दा मुद्दा भी मोदी दी कार्यसूची विच सिखर ते होवेगा प्रधानमंत्री सोमवार नूं दुबई ले रवाना होणगे पाकिस्तान विच आज दोपहर आतंकवादी हमला होया एक फिदायन आतंकवादी ने पंजाब दे गृह मंत्री शुजा खान सादा दे दफ्तर विखे खुद नूं बम नाल उड़ा लिया हमले विच गृह मंत्री खान जादा दी मौत हो गई है गृह मंत्री दे सलाहकार डॉक्टर सैयद इलाही ने मंत्री शुजा दी मौत दी पुष्टि की है चश्मदीदा मुताबिक खान जादा हमले तो बाद लगातार मदद ले चला रहे सन पर भारी मलबे की वजह नाल उन्हां नूं बाहर कढ़न विच देरी हो रही सी मलबे विच कई लोकां दे दबे होण दी शंका है आतंकवादी हमले विच गृह मंत्री समेत 8 लोकां दी मौत हो गई है जबकि 25 तो ज्यादा लोग जख्मी दसे जा रहे ने दसा जा रहा है कि हमले समय उन्हां दे दफ्तर विच कई लोग मौजूद सन इंडोनेशिया दा जहाज अज सुदूर पूर्वी पापुआ खेतर विच लापता हो गया जहाज विच 54 यात्री सवार सन राहत एजेंसी दे प्रमुख मुताबिक जहाज दा हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र नाल संपर्क टुट गया ए जहाज जयापुरा सेंतानी हवाई अड्डे अते पापुआ प्रांत दी राजधानी जयापुरा दे दक्षिणी खेतर ऑक्सीहिल दरमियान उड़ान ते सी काबले गौर है कि पिछले दिसंबर विच एयर एशिया दा एक जहाज इंडोनेशिया शहर सुराया तो सिंगापुर उड़ान दौरान हादसाग्रस्त हो गया सी जिस नाल जहाज विच सवार सारे 162 यात्री मारे गए सन पाकिस्तान वालों भारतीय सीमा ते लगातार फायरिंग की जा रही है जम्मू दे पुंछ सेक्टर विच पाक सैनिकों वालों हुई गोलीबारी विच मरण वाले लोगों की गिनती 6 हो गई है गोलीबारी विच जख्मी एक होर महिला ने आज सवेरे हस्पताल विच दम तोड़ दिता महिला की पछाण मसरत कौसर के रूप में हुई है पाकिस्तान वालों लगातार भारतीय सीमा ते फायरिंग करके सीज फायर की उलंघना की जा रही है सब तो ज्यादा असर बालाकोट मेंढर आदि इलाकों विच वेखण नूं मिल रहा है पाकिस्तान वालों लगातार हो रही फायरिंग के चलते भारत सरकार वालों हुण सख्त रवैया अपनाया जा रहा है भारत विच पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित नूं समन भेजा गया पाकिस्तान वालों की गई गोलीबारी विच 6 भारतीयों की मौत उते कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है कांग्रेस के बुलारे मनीष तिवाड़ी ने मोदी सरकार दी नीतियां उते चोट करते हुए पाक के नाल एनएसए के पद्धर की गलबात रद्द करने की मांग की है तिवाड़ी ने पूछा कि जदों देश के निर्दोष लोग फायरिंग विच मारे जा रहे हैं तो अजिहे हालात विच गलबात क्यों हो रही है आजादी दिवस मौके शनिवार नूं सूबा भर विच होए वख-वख समागमां विच स्कूली बच्चियां वल्लों पेशकारी अते शमूलियत करन दे मद्देनजर पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 17 अगस्त सोमवार नूं सूबा भर दे स्कूलां विच छुट्टी करन दा ऐलान कीता है ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 105 ਬੀਐਸਐਫ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਐਮਡੀ ਫਾਜ਼ੁਲ ਆਜ਼ਾਨ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
हरियाणा के कुरुक्षेत्र च गीता निकेतन होस्टल स्कूल विच सेवा भारती हरियाणा वल्लों आयोजित किए गए सालाना उत्सव अते अवार्ड समागम करवाया गया, जिस दे विच मुख मेहमान वजो विधानसभा स्पीकर कंवरपाल ने शिरकत की। इस मौके उन्होंने मीडिया नाल मुखातिब हुंदिया पंचायती चोणां लई पढ़े लिखे उम्मीदवारां दी चोण दे फैसले दी शलाघा की अते कहा कि घट पढ़े उम्मीदवारां नूं खुद भी काफी दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। नाल ही उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा दा मानसून इजलास 2 सितंबर तों शुरू होण जा रहा है। मुकेरिया के पिंड अटलगढ़ और आस पास के इलाके का माहौल उस वक्त गमगीन हो गया जब पिंड के फौजी जवान का तिरंगे विच लिपटिया मृतक शरीर पिंड पुजिया। 11 सिख रेजीमेंट के सूबेदार रजिंदर सिंह पुंछ सैक्टर के सूरनकोट विखे 16 RR विच तैनात सन। शहीद मृतक दे पिंड पुजन से सारे पिंड विच सोग की लहर फैल गई। बीते दिन शहीद रजिंदर सिंह का सैनिक सम्मान नाल अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके भारतीय फौज के अधिकारियों समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद के परिवार वालों नामखा नाल अंतिम विदायगी दी गई। अपनी हकी मंगा नूं लैके लोकां वालों धरना प्रदर्शन अते रोस रैली कढ़े जाण दीआं खबरां आए दिन सुर्खियां विच रहिंदीआं ने। इस लड़ी तहत पठानकोट विखे आर्मी एक्स सर्विसमैन वालों एक विशाल रोस मार्च कढ़िया गया। हजारां दी तादाद दे विच इकट्ठे होए साबका सैनिकां ने जम के सरकार दे खिलाफ अपनी पड़ास कढ़ी अते अपनी मंगां पूरियां ना होण तक संघर्ष जारी रखण दा ऐलान कीता। इस मौके वन रैक वन पेंशन दी मंग नूं लैके बोलदिआं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद दे जनरल सकत्तर कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि एसोसिएशन वालों कई बार सरकार नाल इस मुद्दे ते मीटिंग भी की गई है पर हाले तक उन्हां दा कोई हल नहीं निकल सकिया। संसार दी नंबर एक इंडियन बैडमिंटन खिडारन साइना नेहवाल वर्ल्ड चैंपियनशिप दे फाइनल विच स्पेन दी कैरोलिना मैरिन तो हार गई है। हालांकि उसने सिल्वर मैडल जीत के इतिहास के पन्निया विच अपना नाम जरूर दर्ज करा दिता है। भारत वालों वर्ल्ड चैंपियनशिप विच ए पहला सिल्वर मैडल है। भावे साइना एक खिडारी मुकाबला हार गई है पर उसने एक नवा रिकॉर्ड जरूर कायम कर दिता है। दस दईये कि इस तो पहला किसी भी भारतीय खिडारी ने इस मुकाबले विच ब्रॉन्ज मैडल तो ज्यादा नहीं जीतिया। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके दिल्ली धर्म प्रचार कमेटी के मुखी परमजीत सिंह राणा ने देश विदेश विच बैठिया सिख संगतां नूं वधाई दी। समागम मौके संबोधन करदिआं परमजीत सिंह राणा ने कहा कि अजिहे समागमां दा मकसद संगतां नूं गुरु साहिबाना दे जीवन बारे जानकारी देना है ताकि आने वाली पीढ़ी सिखां दे वडमुले इतिहास तों जाण हो सके। जुग जुग अटल तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी निघी गोदी बैठे गुरु प्यारे साहिब सिंह जी फतेह सांझ करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए आप तरिया कुल जगत तराया धन जने दी माया। आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं पवन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। सखी आओ सखी वस आओ सखी असि पिर का मंगल गावे। अज साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पुरब देशों विदेशों दे विच गुरु नानक नाम लेवा अते समूह सिख साध संगत नूं लख लख वधाई दिंदे हां। उत्थे अज दो गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन दा समां बद्धिया। मैं पहले भी कहना हुंदा कि जिस वेले गुरबाणी दे समागम हुंदे आ कीर्तन दे समागम हुंदे आ इस समागम संगत वास्ते इस करके रखे जांदे आ कि जे कोई किथे कनैक्शन गुरु नाल टुटदा है ते उह इत्थे आ के जुड़दा है। जिवें आपां मोबाइल दे विच कहिंदे वी आपां चार्जिंग करनी है ते चार्जिंग तां ही होणी है जे आपां उहनूं लाणा है। जे इहनां समागमां दे संगत अपने परिवार नाल अपने बच्चिआं नाल नहीं हाजरी लवाएगी ते किथे ना किथे इन्हां समागमां दा मनाणा जिहड़ा उह किथे ना किथे असफल हो जांदा। एक प्रॉब्लम असीं लगातार फेस करदे आ रहे हां कि साडे बच्चे अज गुरबाणी नाल गुरु घर नाल किथे ना किथे टुटदे पए आ और उहदा वड्डा कारण इह है कि असीं अज अपने बच्चिआं नूं अपने नाल इन्हां समागमां ते इन्हां गुरमत प्रोग्रामां ते नहीं लै के आउंदे। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਚ ਵਨ ਟੀਚ ਵਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ
ते ए साडा जिहड़ा प्रोग्राम कीता सफल नहीं हो सकता। इस संगत दे विच भी बेनती है कि अपने परिवार विचों जिहड़े जी नहीं आ पाते उन्हां नूं जरूर खिच के लाया करो। तुसीं होर थावां ते भी जाने हो, होर जगह ते भी जाने हो, ते तुहाडी इक संघ बना के जाने हो, ते जब तुसीं संघ बना के जाने हो ते गुरु घर आउण वास्ते भी संघ बना के आओ, जत्थे बना के आओ, ताकि पता लगे कि अज साहिब अनंदपुर पूरे मना रहे हैं। और यह समा जिहड़ा है ना, यह जिन्ना समा आप गुरु नाल जोड़ लेंगे यह साडा बैंक बैलेंस वध जाएगा। अज जिन्ने इत्थे बैठे आप सारे कितने ना कितने बैंक नाल कनैक्टेड है। बैंक जे 10,000 रुपए जमा कराया ता ही आप 10,000 कटावे ना। 10,000 जमा करा के जे असी 11,000 की चाह रखी तो नहीं निकलने। जे असी अपना सिमरन अपना टाइम जिहड़ा गुरु साहब ने सानू दसवां तक किया, जे असी अपना बैंक बैलेंस नहीं बना रहे, जे असी गुरु नाल नहीं जुड़ रहे, तो फिर कल नूं जिसले मुश्किलां आउंदियां फिर ये ना कहो कि भी ये मुश्किलां क्यों आ रही ने। ये सहजे सहजे जिहड़े गुरु घर नाल जुड़दे आ इन्हां नूं जोड़िए, इन्हां नूं प्यार नाल अपनी गलवक्कड़ी च लईए। और मैं चाहुंदा कि आने वाले समय दे विच इसे तरह आपां जिहड़े समागम मनाने आ उहदे विच तुहाडी असीस मिलदी है। आप इसे तरह होरां नूं भी नाल प्रेरित करके इत्थे लैके आओ। इन्हां बेनतियां प्रवान करियो, कोई वादी घाटी हो गई तो माफी चाहना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फिलहाल इस बुलेटिन च नहीं, देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी लिए तुसी बने रहो 4 दी कला टाइम टीवी न्यूज़ के साथ।